नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय जगन्नाथ जी। जैसे हस्तरेखा में व्यक्ति की हाथ की रेखाओं को देखकर व्यक्ति के चरित्र, भविष्य, वर्तमान के बारे में हम जान सकते हैं, उसी प्रकार से ही व्यक्ति अंगूठे को देखकर व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम तीन प्रकार के अंगूठों के बारे में बात करेंगे। तो जिन व्यक्ति का अंगूठा सीधा और मजबूत होता है, तो इन लोगों का जो स्वभाव होगा वो काफ़ी कठोर, हठी होगा, जिद्दी होगा और ये लोग अपनी मनमानी करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग अपनी कही गई बात पर एकदम अटल रहते हैं। साथ ही साथ ये लोग काफ़ी स्पष्टवादी भी होते हैं, मतलब जो भी बात होती है उस बात को ये लोग खुलकर बोल देते हैं। सीधे अंगूठे वाले व्यक्ति अपने काम को सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों को अपने काम में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और कई बार इनके काम में भी आए दिन बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इन व्यक्तियों को कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और संघर्ष से इन व्यक्तियों को अपने काम में सफलता मिल जाती है। इनमें से कई व्यक्तियों का जीवन बचपन में काफ़ी गरीबी में गुजरता है, लेकिन उम्र के चलते चलते इनके हालात सुधरते जाते हैं। लेकिन सीधे मजबूत अंगूठे वाले लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता भी काफ़ी देखी गई है। ये लोग लीडरशिप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ये लोग तुरंत तो निर्णय नहीं लेते, लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं उन निर्णय को काफ़ी सोच समझ कर लिया करते हैं और उस निर्णय पर अडिग भी रहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी पक्के और स्थिर स्वभाव के होते हैं। ये लोग दूसरों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरों से बहुत ही कम मिलना जुलना ये लोग पसंद करते हैं। जिन व्यक्ति का अंगूठा थोड़ा सा भी पीछे की ओर नहीं मुड़ता है, एकदम बिल्कुल ही सीधा होता है, तो ये लोग बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनकी यह चिड़चिड़ाहट आसानी से इनके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाती है। इन लोगों को दूसरों द्वारा कही गई बात जल्दी चुभ जाती है, चाहे वो बात किसी ने मजाक में ही क्यों ना कही हो। साथ ही साथ इन लोगों में जो मेरे वाली भावना होती है वो भी अत्यंत देखने को मिलती है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई लोग जिनसे ये प्यार करते हैं। अब हम जो दूसरे अंगूठे की बात करने जा रहे हैं वो है लचीला अंगूठा, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो जिन व्यक्ति का लचीला अंगूठा होता है वो व्यक्ति थोड़े बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं, मतलब जिस तरह से इन व्यक्तियों का अंगूठा लचीला और कोमल होता है, उसी प्रकार से इन लोगों का मन भी कोमल और मासूम होता है। इनके अंदर भी बहुत खासियत पाई जाती है, उनमें से एक है कि इनके चेहरे पर हर समय मुस्कान सी बनी रहना। ये लोग भी काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, परिस्थिति जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन फिर भी ये उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन अपने जीवन में ज़्यादा उठा पटक इन्हें पसंद नहीं होती। ऐसे व्यक्ति साफ सफाई को भी पसंद करते हैं, साथ ही साथ अपने मन में बातों को ये लोग ज़्यादा छुपा नहीं सकते, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ये अपने ही मन में छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुछ बातें ये दूसरों को इसलिए बताना ज़्यादा पसंद नहीं करते ताकि सामने वाले को इन बातों का बुरा ना लग जाए या फिर वो ये बातें सुनकर परेशान ना हो जाए। इनके मन में भी काफ़ी इच्छाएं होती हैं और अगर किसी काम को इन्होंने छेड़ दिया तो उस काम को ये पूरा कर ही दम लेते हैं। उस काम को पूरा करने में ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। घूमने फिरने का इन लोगों को भी बहुत शौक होता है, दूसरों की मदद करने की इनमें भावना भी पाई जाती है। इन व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो दयालुपन वाली होती है, साथ ही साथ इन व्यक्तियों में एक अलग तरह का ही आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। कई बार ये व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। अब जो तीसरे प्रकार का अंगूठा है वो है अत्यंत लचीला अंगूठा, जो कि बहुत ही कोमल और काफ़ी झुकावदार होता है, जो काफ़ी पीछे की ओर मुड़ने वाला होता है।
तो जिन भी व्यक्तियों का अंगूठा अत्यंत लचीला होता है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी उतना ही प्रबल होता है। इन लोगों में हंसी मजाक करने की भी आदत होती है। पैसों की इन लोगों के पास कमी नहीं होती, बल्कि ये लोग भाग्यशाली होते हैं। ये लोग दूसरों के लाभ के लिए खुद की हानि भी उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरों के द्वारा भी ठगे जाते हैं, क्योंकि इनमें भावुकता की भावना अधिक होती है। दूसरों का दुख सुन ये रह नहीं पाते। भावुक होने के कारण ये व्यक्ति कई बार दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग हठी जिद्दी स्वभाव के बिल्कुल नहीं होते और जैसी भी परिस्थिति होती है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। इन लोगों में बहुत दयालुपन देखने को मिलता है। साथ ही साथ संस्कारों की भी इनमें अधिकता ही पाई जाती है। ये व्यक्ति नरम स्वभाव और एकदम खुले दिल वाले होते हैं। इन व्यक्तियों का मन ज़्यादा स्थिर नहीं रहता। आसानी से दूसरे व्यक्तियों के साथ मित्रता करने के कारण इन्हें कई बार धोखे का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा समझदार और संतुलित किस्म के होते हैं और अपने रिश्तों को भी बहुत वफादारी से निभाते हैं। वैसे तो इन्हें ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब भी आता है बहुत ही अधिक आ जाता है। क्योंकि यह अंगूठा अत्यंत लचीला है तो यह कलात्मक का भी प्रतीक है, इसीलिए इन व्यक्तियों में कला जरूर देखने को मिलती है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग। अधिकतर ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति इन कलाओं में निपुण होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। जय जगन्नाथ जी।